हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज भी आपका स्वागत है। और चलिए देखते हैं, तीन वर्ड्स लेते हैं हम। तो सबसे पहला जो वर्ड्स है बहुत महत्वपूर्ण, कॉप, COP। कॉप का मतलब होता है पुलिस ऑफिसर। कॉप का मतलब पुलिस ऑफिसर होता है, दोषी नहीं, पुलिस अधिकारी। ये गलत है, पुलिस अधिकारी को बोलते हैं कॉप, पुलिस ऑफिसर। रजिस्टर और लॉज, लॉज LODG, लॉज माने दर्ज करना, रजिस्टर मतलब दर्ज करना। और रजिस्टर लॉज एक केस, एक मामला दर्ज करना। एक मामला दर्ज करने को क्या कहेंगे, ए लॉज ए केस और रजिस्टर ए केस, एक मामला दर्ज करना उसको बोला जाएगा। मामला थाने में दर्ज किया गया, मामला थाने में दर्ज किया गया। तो आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, के ए रजिस्टर ए लॉज ड्यू टू विच रीजन, किस कारण मामला दर्ज किया गया। ड्यू टू द ड्यू टू सम प्रॉब्लम और ड्यू टू सम रीजन, व्हाट वुड बी द रीजन ऑफ लॉजिंग ए केस इन पुलिस स्टेशन, सो यू हैव टू राइट इन कॉमेंट बॉक्स। जैसे कोतवाली थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया, कोतवाली थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया, ये बहुत बेहतरीन है। तो इसको आप कर लेंगे, बहुत बेहतरीन वर्ड है। इसका आप कॉमेंट बॉक्स, इसका आप ट्रांसलेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए कौन कौन सा वर्ड हुआ, कॉप मीन्स पुलिस ऑफिसर, रजिस्टर, लॉज, चार वर्ड हो गया। लॉज ए केस, रजिस्टर ए केस, कॉप, पुलिस ऑफिसर, लॉज ए केस। थैंक यू। मेक सेंटेंस मोर एंड मोर।